तो बाहर हो रही है बारिश और मिसल खाने का मन है, तो चलते हैं फिर। लेकिन वीकेंड है तो राइड करने का भी मन है, तो कहीं दूर मिसल खाने चलते हैं। तो अभी हमारी बाइक में एकदम ही पेट्रोल नहीं था, तो रिफिल कर लिया है। थोड़ा सा लेट चल रहे हैं बट ठीक है, रिफिल करना ज़रूरी था। और बढ़िया बढ़िया वादियाँ चालू, बहुत सारे बाइकर्स दिख रहे हैं, बहुत सारी कार्स दिख रही हैं, तो ऐसा लग रहा है कि इस रूट पे रश होने वाला है, ट्रैफिक होने वाला है। बट ठीक है, हम भी ट्रैफिक का पार्ट ही हैं। तो सिरीन आइलैंड गेट अवे, ओके। तो अगर हम मुल्शी जा रहे होते या तो फिर तामिनी जा रहे होते तो हम सीधा जाते, बट अभी हम पवना के थ्रू जा रहे हैं, पवना होते हुए जा रहे हैं, तो हम यहाँ से एक राइट लेंगे। सो टेक दी सेकेंड राइट, सो दिस वॉज द फर्स्ट राइट एंड दिस इज़ दी सेकेंड राइट, ओके। सब आ रहे हैं पीछे पीछे, बढ़िया यार। ये बच्चे ऐसे स्कूल जाते हैं कितना अच्छा लगता है, मतलब ऑब्वियसली उनको नहीं अच्छा लग रहा होगा बट उसे देख के अच्छा लगता है। सो इस वाले रास्ते पे मैं पहली बार आ रहा हूँ, तो लग तो बढ़िया रहा है अभी तक। थोड़े स्पीड ब्रेकर्स हैं, अगर कोई स्कूल आता है, हॉस्पिटल आता है या कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं तो स्पीड ब्रेकर्स हैं, बट बाकी रास्ता तो अच्छा है, मतलब कोई पॉट होल ज़्यादा नहीं है। लो पॉट होल बोलते ही पॉट होल आ गया था, बट ज़्यादा नहीं है, इतना तो चलता है। दिस इज़ प्योर मानसून ब्लिस। बारिश अभी बहुत तेज़ भी नहीं हो रही है बट हो रही है अच्छी खासी। कोई सा तो ब्रिज आ गया है ये। तो सुबह मेरे को लग रहा था कि मौसम खुल गया है, उतनी बारिश नहीं होगी, बट यहाँ पूरे रास्ते में बारिश हो रही है। और ये फार्म कितने ही सुंदर लग रहे हैं, मस्त। मतलब ये ऐसा ग्रीन है कि लगता है कि फुटेज ओवर सैचुरेटेड है, बट ऐसा नहीं है, दिस इज़ द रियल कलर यार, अति सुंदर। नाइस कि कहीं भी वाटरफॉल चालू हो जाता है, बट ठीक है। और यहाँ एक टपरी भी है, तो मतलब लोग रुकते हैं यहाँ पे। पानी वैसे काफ़ी गंदा था। और ये बच्चे वापस आई गेस स्कूल बस का वेट करते हुए। इट्स 7:30, 7:30 से स्कूल चालू हो जाता है। हाँ यार 7:30 चालू हो जाता था हमारा भी। और द आइकॉनिक स्लोप ऑफ पवना। अच्छा वो मतलब थोड़ा सा मौसम खुल गया जिससे ये व्यू दिख रहा है, वरना ये व्यू दिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता। बट उसके अलग मज़े हैं, जो बादल होते हैं, जो फॉग होता है। यहाँ बाइक एक साइड जा रही है, पता नहीं मतलब गोप्रो में पता चल रहा होगा कि नहीं, बट बाइक एक साइड को झुक रही है, इतनी ज़ोर से हवा चल रही है यहाँ पे। बहुत ही संभाल संभाल के ला रहा हूँ मैं, क्योंकि ये स्लोप भी काफ़ी है और रोड स्लिपरी भी है, हवा भी चल रही है, तो अच्छा है। अभी तक बहुत इजी इजी चल रहा था, थोड़ा तो चैलेंजेस होने चाहिए जीवन में ना। अभी यहाँ पे एक व्यू दिख रहा था तो हम यहाँ पे ऊपर आ तो गए थे, बट सबकी बाइक्स फिशटेल हो रही हैं। एक KTM ADV है उसको छोड़ के बाकी सबकी बाइक्स थोड़ी थोड़ी स्लिप हो रही हैं, तो देखते हैं कैसे उतरना है। इट्स गुड कि मैंने राइडिंग पैंट्स ले ली थी, तो अगर गिरेंगे तो चोट तो नहीं लगनी चाहिए। थोड़ा सा ज़्यादा ही एडवेंचर हो गया। कोई ना, लद्दाख की प्रिपरेशन चल रही है, जाएंगे कब वो नहीं पता, प्रिपरेशन चालू है।
ऑलमोस्ट देयर ऑलमोस्ट देयर, कम ऑन। सो वो भाई के पास कॉन्टिनेंटल है, वो सबसे ज़्यादा स्केट हो रही है, सबसे ज़्यादा फिश टेल वही हो रही है, तो बहुत आराम आराम से वो लेके आया है। बट आ गए फाइनली अच्छे से सब। और ये रहा हमारा पवना डैम, थोड़ा और पास से बढ़िया व्यू आ रहा है, इधर से बढ़िया रास्ते हैं, एकदम ही जंगल आ गया। पहले मुझे लगा ये रिजॉर्ट्स हैं, वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था प्राइवेट प्रॉपर्टी डू नॉट एंटर, मतलब ये लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं भाई, नाइस। और अभी सामने एक चिंटू मिंटू सा वाटरफॉल दिखा है, बट नीचे टपरी है तो इसका मतलब ये भी कमर्शलाइज हो चुका है, बट अच्छा है, लेकिन लोग नहीं है, मस्त। पब्लिक बोट क्लब, अच्छा यहाँ पे बोट क्लब भी है, बढ़िया बढ़िया भैया, आराम से ले लो यार। आई लव पवना डैम, ओके। सो दिस इज द बोट क्लब इट सीम्स। ये जो सामने है ये भी वाटरफॉल है क्या, रोड के इतना पास? हाँ, ऑल्दो इट्स नॉट वेरी क्लीन यार, काफ़ी टाइम से हम नीचे उतरे ही जा रहे हैं, और अभी जो फर्स्ट रीग्रुप पॉइंट है वो अराउंड 1 किलोमीटर है, और वहाँ पे वाटरफॉल्स हैं, और वापस से सुंदर सुंदर व्यूज सामने वाले पहाड़ पे, फॉग है, बादल हैं, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। हम थोड़ा सा रुके हुए थे बट बारिश काफ़ी तेज़ हो गई, तो हमने कहा कि चलते ही हैं, मतलब रुक के भीगने से अच्छा है कि चलते हुए भीगते हैं। और हेलमेट में फॉग आने लगा है भाई। और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है द अवन करके, मैं 2-3 बार आ चुका हूँ, बट वो लोनावला साइड से आया हूँ, इस साइड से पहली बार आया था, बट अभी वो बंद है, वो अराउंड 10 खुलता है। और आगे का रास्ता मुझे पता है, आगे का रास्ता बहुत ही बढ़िया है, ओ नाइस, मस्त मस्त मस्त। मतलब लिटरली ऐसे पहाड़ काट के रोड बनाई गई है, बढ़िया। हमें लगता है यहाँ पे रुकना चाहिए था, बढ़िया चाय भी पीते। हाँ, तो मैं बता रहा था कि मैं यहाँ आ चुका हूँ, तो फर्स्ट सर्विसिंग से जो पहले मुझे 750 किलोमीटर्स कंप्लीट करने थे अपनी हाइनेस के, तब मैं मतलब फर्स्ट राइड पे यहाँ पे लेके आया था, आई गेस रजिस्ट्रेशन होने के सेकेंड डे नंबर प्लेट आ गई थी, नंबर प्लेट आते ही साथ मैं यहाँ पे लेके आया था, क्योंकि उसके पहले भी यहाँ मैं कई बार आ चुका था, तो मुझे पता था कि ये रास्ता बेस्ट है, तो उस टाइम पे बहुत आराम आराम से स्लो स्लो चला के लाया था, क्योंकि इंजन उस टाइम रनिंग इन पीरियड में था, बट मज़ा बहुत आया था। और दैट वॉज माई काइंड ऑफ फर्स्ट राइड ऑन माई हाइनेस नॉस्टैल्जिक एफ। और फिर लोगों के फार्म हाउसेस हैं यहाँ पे, पूरा पानी भरा हुआ है, बट घर भी है लोगों के यहाँ पे, नाइस। यार बारिश हो जा रही है तो ऐसे ड्रोन फ्लाई करने को मिल नहीं रहा है, मेरा बहुत मन है ऐसे वहाँ तक ड्रोन फ्लाई करना, क्योंकि अपन तो नहीं जा सकते उतना पास तक, पर ड्रोन जा सकता है, इतनी बारिश में ड्रोन भी नहीं जा सकता है। हाँ, ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, क्योंकि बाजू में जा रहा है एक्सप्रेसवे, तो यहाँ पे क्रॉस करने के लिए स्पेशली बनाया गया है थोड़ा सा आगे, तो यहाँ पे रॉन्ग साइड जाना पड़ता है, विच इज़ अलाउड बाई द वे, क्योंकि बनाया ही इसलिए गया है। ओहो, और ये साइक्लिस्ट, हाँ, तो ये ऊपर जाके वहाँ से फिर उतर के फिर हम उधर से जाएंगे।
और ये रहा हमारा मुंबई बैंगलोर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, मुंबई बैंगलोर हाईवे, क्योंकि एक्सप्रेसवे सिर्फ पुणे तक ही है यार। यहाँ से तो अलग ही व्यू दिख रहा है, एकदम फॉगी। मतलब आई गेस हम उधर से ही आए हैं कहीं से, बट इतना उस टाइम पे तो नहीं पता चला था। लोनावला में रश तो रहता है, मतलब लोग बहुत जल्दी यहाँ पे काम के लिए जाते हैं। मैंने गोप्रो लगा लिया है चार्ज पे और थोड़ा सा सब लोग भटक गए हैं, बट फिर हमने डिसाइड किया कि सीधा ब्रेकफास्ट पॉइंट पे ही मिलते हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट पॉइंट इज़ जस्ट 3.2 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, तो वहीं मिलना सही रहेगा। क्योंकि लोनावला में मतलब बहुत डाइवर्जेंस हैं, बहुत सारी ऐसे गलियां कोई भी कहीं भी घुस जाती हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा भटकना मतलब हो ही जाता है। सो लोनावला के इस एरिया में बहुत सारे खाने के ऑप्शंस हैं। ओके, यहाँ से लेफ़्ट लेना है अकॉर्डिंग टू गूगल मैप्स। हाँ, कुछ कुछ तो याद आ रहा है, मतलब हर बार मैप से ही आता हूँ, क्योंकि यहाँ मैं बिना मैप के आ ही नहीं पाऊँगा, इतना कंफ्यूजिंग है। सो जस्ट 600 मीटर्स अवे इज आवर ब्रेकफास्ट पॉइंट। क्या बढ़िया बढ़िया घर हैं यार। सो हम पहुँच तो गए हैं यहाँ पे, लगा कि हम थोड़ा जल्दी आ गए हैं, लेकिन रश हो रहा है। और उधर अपने बंदे अपनी बाइक सारी पार्क्ड हैं। तो अभी बस निकल रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ से निकल तो गए हैं, बट बारिश काफी बढ़ गई है और मेरे मोबाइल होल्डर पे फॉग जम गया है। बट यहाँ से हाईवे पकड़ना कुछ ज़्यादा मुश्किल तो नहीं होना चाहिए। सो वॉज द मिसल वर्थ द हाइप? घर पहुँच के बताते हैं। तो मिसल अच्छी थी, स्पाइसी थी, आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं थी, बट जैसे हम वादियों से होके गए थे तो दिन बहुत अच्छा हो गया।